इस वक्त हम जामा मस्जिद पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, तकरीबन 2 साल के बाद जो यहाँ रौनक आई और देखते ही बनी है, कोरोना की वजह से 2 साल से नमाज भी अदा नहीं हो रही थी। और आज जो रौनक यहाँ पर हो, खासकर बच्चों के जो देखते बनते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एसोसिएशन का जनाब अकरम भाई मौजूद है। हम अकरम भाई से जानना चाहते हैं, जो दोबारा इस बारे में दो बातें करें। देखिए, ये रौनक तो वाकई 2 साल बाद हुई है और जो 2 साल की कसर थी वो पूरी हो गई है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं, जामा मस्जिद की रौनक, इस साल रमज़ानों की रौनक, ईद की रौनक, होली पे भी अच्छा कारोबार रहा, सारे त्यौहार ठीक से गए और बच्चों के स्कूल भी अब खुल गए हैं, तो अब तो रौनक ही रौनक है। ऊपर वाला इस रौनक को बरकरार रखे। ऐसे में देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों से ये कहना चाहूँगा, हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के सारे त्यौहार मनाने चाहिए, जैसे कि हम मनाते हैं। जी जी जी, माशाल्लाह ईद अल्लाह कोम सल्लाह, बहुत बढ़िया बनी है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह भी ऐसे ही बना दे रखे परवरदिगार। हाँ, 2 साल बाद त्यौहार आया है, लोगों में काफ़ी उत्सव है। अगर त्यौहार ज़िंदगी में ना होता तो ज़िंदगी एक नीरस हो जाती, मगर त्यौहार आने से वक्त वक्त पे लोगों के अंदर खुशियाँ जागती है, गम दुख दूर भूल कर त्यौहार की खुशी मनाने में लगते हैं। इसी तरीके से लोग जितने भी परेशान है कुछ है, मगर इस वक्त त्यौहार मना रहे हैं। माशाल्लाह ईद बहुत बढ़िया गई है, हमारे रमज़ान 2 साल बाद बहुत अच्छे गए हैं, बाज़ार भी अच्छा गया है और सबको तकरीबन बहुत ही खुशी है ईद की। और इंशाल्लाह ऐसे ही बाज़ार चलता रहे, ऐसे ही रौनक रहे बाज़ार में और इससे ज़्यादा। और कैसे आपको कुछ कहना है? जी, बहुत अच्छा लगा, इस बार बहुत बढ़िया रहा, माशाल्लाह रौनक भी रही और कोई परेशानी भी नहीं दिखी। और अब भी देख लो आप, काफ़ी माशाल्लाह रौनक है आसपास। उन्होंने बताया कि देशवासियों को सब मिलजुल कर एक साथ त्यौहार मनाने चाहिए, जैसे बताते हिंदू मुसलमान ये गंगा जमनी तहजीब जो ये यहाँ पर कायम रहेगी। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।